हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। अपन ने पिछली क्लास में लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम उसी का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लघु बीजाणु जब बन जाते हैं तो पराग कोष की भित्ति के फटने से ये लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। जब लघु बीजाणु मुक्त होते हैं तो इन लघु बीजाणुओं का क्या होता है, ये लघु बीजाणु जो है वो परागण की क्रिया द्वारा पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। पराग कोष से जायांग की जो वर्तिकाग्र होती है उस पर पहुँचते हैं, यहाँ पर आकर के ये गिर जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण की क्रिया कहलाती है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। ठीक है, तो अंकुरित पराग कण को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, यानी कि अंकुरित पराग कण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन पराग कण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पराग कण द्वारा नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है। तो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन पराग कण। अब पराग कण जो है ये वर्तिकाग्र पर आकर जब गिर जाएंगे तो इसमें से पराग कणों से नर युग्मकोद्भिद बनेगा। तो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किससे होता है, पराग कण द्वारा। पराग कण या लघु बीजाणु युग्मक जनन की क्रिया द्वारा नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ये जो पराग कण इस पर आकर गिरते हैं ये कौन सी क्रिया के द्वारा, युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा। अब युग्मक जनन क्रिया क्या होती है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन की क्रिया द्वारा नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं वो आगे देखिए आप। हाँ, अब देखिए आप कि नर युग्मकोद्भिद के निर्माण से पहले हमें पराग कण की संरचना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पराग कण की संरचना किस प्रकार की होती है, ये देखिए आप। एक चीज़ ध्यान रखना कि पराग कण का जो विकास है वो युग्मक जनन के समय ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पराग कोष के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर कि पराग कण जो होता है उसमें दो प्रकार की भित्तियाँ होती हैं। पहली जो बाहर की ओर होती है उसे हम बाह्य चोल कहते हैं, और दूसरी जो होती है अंदर की ओर उसे हम क्या कहते हैं, अंत्य चोल कहते हैं। ठीक है, तो बाहर की जो भित्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य चोल, जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक है, और अंदर वाली जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज व पैक्टीन की बनी होती है। तो बाहर वाली जो परत होती है वो क्या होती है, अलंकृत होती है, यानी कि स्मूथ नहीं होती है, वो अलंकृत होती है। उसमें अलग अलग प्रकार के अलंकर होते हैं, जैसे या ऐसे हो जाएं या ऐसे हो जाएं, इसमें अलग अलग प्रकार के अलंकर होते हैं। और बीच बीच में छिद्र होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, और बीच में एक इसके अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के बाहर क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ये पराग कण की संरचना। इसमें कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं जो मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं, ये बड़ी रिक्तिका। और केंद्रक जो होता है वो हल्का सा परिधि की ओर चला जाता है। ये आपके पराग कण की संरचना हो गई। ठीक है, अब ध्यान रखना, पराग कण जो है उस पराग कण का जो केंद्रक है उसमें दो बार समसूत्री विभाजन होता है, उसमें दो बार समसूत्री विभाजन होता है, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आप कि प्रत्येक पराग कण कौन सी संरचना होती है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होती है। एक कोशिकीय व एक केंद्र की संरचना होती है, संरचना में है आपके एक केंद्र की संरचना है और एक ही कोशिकीय संरचना है। ठीक है, इसका केंद्रक या जीव द्रव्य दो परतों द्वारा घिरे रहते हैं, बाह्य परत को बाह्य चोल व आंतरिक परत को अंत्य चोल कहते हैं, यानी कि बाह्य परत को एक्साइन और अंत्य परत को इंटाइन या अंत्य चोल कहते हैं। ठीक है, बाह्य चोल मोटा कांटेदार छिद्र युक्त होता है, ये एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये ध्यान रखना अच्छे से, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है जिसका भौतिक अथवा जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता है। रासायनिक अपघटन भी हम इसका नहीं कर सकते, किसी प्रकार के एसिड से हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, भौतिक परिवर्तनों द्वारा हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करते हैं हम,
इसीलिए इसका क्या होता है कि जीवाश्म के द्वारा संरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए परागकण को प्रतिरोधी बनाता है और जीवाश्म के रूप में संरक्षित रखा जा सकता है। बाह्य चोल पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ये छिद्र आपको बताएं, ये रहे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंत्यचोल की। अंत्यचोल पतला कोमल वे झिल्लीनुमा होता है जो सेलुलोज वे पेक्टीन का बना होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक खास बात इसके अंदर नोट, नर युग्मकोद्भिद यानी कि पराग कण का विकास पराग कोश के अंदर ही शुरू हो जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका जो विकास होता है वो पराग कोश के अंदर ही शुरू हो जाता है। जो ये क्रिया है ये परागण से पहले की क्रिया है, यानी कि इसके अंदर ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका और आगे अध्ययन करेंगे। अब ये एक खास बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि अनेक कीट परागित पुष्पों के पराग कणों की सतह पर, तो ये तो आप जानते हो कि परागण जो होता है वो कई माध्यमों द्वारा होता है, कीट द्वारा भी होता है, पक्षियों द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, और सबसे ज़्यादा जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। अनेक कीट परागित पुष्पों के पराग कणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। ये पोलन किट कौन बनाती है, ये पोलन किट बनाती है टेपीटम। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, देखो विशेषताएं, कीटों को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। इसका चिपचिपा स्वभाव पराग कणों को कीटों के शरीर से चिपकने में मदद करता है। ये क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरा, इनका जो चिपचिपा व्यवहार होता है वो पराग कणों को कीटों के शरीर से चिपकने में मदद करता है। ये पराग कणों की यूवी रेज से रक्षा करता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से ये पराग कणों की रक्षा करता है। पोलन किट के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण टेपीटम की कोशिका से होता है। पोलन किट के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका सिंथेसिस जो है वो टेपीटम की कोशिकाओं से होता है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि टेपीटम की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन, टेपीटम की कोशिकाओं से जो प्रोटीन उत्पन्न होता है वो पराग कण के बाह्य चोल के रिक्त स्थानों में भर जाते हैं। पराग कण के बाह्य चोल के जो रिक्त स्थान बताए आपको मैंने, खाली स्थान, उनमें भर जाते हैं जो वातावरण में फैलकर मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जी का कारण बनते हैं। कुछ प्रोटीन स्त्री केसर वे पराग कण पारस्परिक क्रिया उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो स्त्री केसर और पराग कण पारस्परिक आपस में दोनों की क्रिया उत्पन्न करते हैं जिसे पराग स्त्री केसर क्रिया कहते हैं। इसी के कारण वर्तिकाग्र को पहचाना जा सकता है। मतलब ये विशेष क्रिया होती है जिससे क्या है कि वर्तिकाग्र को पहचाना जा सकता है। पराग कण अपने समान वर्तिका अपनी जाति की वर्तिकाग्र को पहचान सकते हैं, या वर्तिकाग्र जो है वो अपनी जाति के पराग कणों को पहचान सकती है। ठीक है, अब है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके कि लघु बीजाणु जो है यानी कि पराग कण जो है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है जो केंद्र युक्त सघन जीवद्रव्य युक्त होती है, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया अभी। चतुष्क से अलग होकर लघु बीजाणु का आकार तेजी से बढ़ता है। चतुष्क से जब ये अलग हो जाते हैं, अलग करने का काम यानी कि जो कैलोज भित्ति होती है वो कैलेज एंजाइम द्वारा अपघटित हो जाती है जिससे लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। लघु बीजाणु का आकार तेजी से बढ़ता है और साइटोप्लाज्म केवल एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। परागण से पहले, अब जो परागण की क्रिया होती है यानी कि परागण किसको कहते हैं, पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है, परागण। परागण से पहले लघु बीजाणु का केंद्रक, मैंने आपको बताया लघु बीजाणु का जो केंद्रक होता है वो दो प्रकार, दो समसूत्री विभाजन करता है, यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, दो प्रकार, दो बार विभाजित होता है। परागण से पहले लघु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बड़ा कायिक केंद्रक और एक छोटा जनन केंद्रक बनाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच भित्ति का निर्माण होने से एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका बन जाती है। किस प्रकार बनती है ये डायग्राम के अंदर देखिए, ये देखो पराग कण है, इसका न्यूक्लियस हो गया है, ये इसके अंदर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये दो डायग्राम आपको मैंने बता दिया, छोटी छोटी रिक्ति का मिलकर बड़ी रिक्ति का बनाती है। ठीक है, अब इसके अंदर होगा माइटोसिस, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं हम समसूत्री विभाजन, जिसे हम केंद्रक विभाजन कहेंगे, और ये विभाजन जो होता है वो असमान विभाजन होता है।
ठीक है, इक्वल नहीं होता, अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी कि असमान विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो केंद्रक बनेंगे वो समान नहीं होते हैं, एक बड़ा केंद्रक होता है और एक छोटा केंद्रक। तो ये विभाजन हो गया। अब आप जानते हो समसूत्री विभाजन द्वारा, यानी कि केंद्रक में जब समसूत्री विभाजन होता है तो दो प्रकार के पुत्री केंद्रक बनते हैं। ठीक है, तो देखो ये रे दो केंद्रक बन गए। इसमें एक छोटा केंद्रक जो है उसको बोलते हैं हम जनन केंद्रक, और जो बड़ा केंद्रक है उसको बोलते हैं हम कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक। ठीक है, अब आप जानते हो कि केंद्रक विभाजन होने के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, तो अब होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन होकर के एक छोटी जनन कोशिका बन जाती है और एक बड़ी कायिक कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? फिर आगे देखिए आप इसका अध्ययन कीजिए दोनों कोशिकाओं के बारे में। अब देखिए कायिक कोशिका, सबसे पहले अध्ययन करते हैं कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल्स। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, जिसके केंद्रक का आकार शुरुआत में गोलाकार और बाद में अनियमित हो जाता है। कायिक कोशिका सबसे बड़ी, कायिक कोशिका जो होती है बड़ी कोशिका होती है, जो आकार में बड़ी होती है, जिसके केंद्रक का आकार शुरुआत में गोलाकार और बाद में अनियमित हो जाता है। इसमें आरएनए वे प्रोटीन अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और डीएनए भी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, कायिक कोशिका द्वारा अंकुरण के समय पराग नली का निर्माण होता है। तो पराग नली का निर्माण कौन करती है? कायिक कोशिका करती है पराग नली का निर्माण। ठीक है, पोलन ट्यूब का निर्माण। दूसरी जनन कोशिका, जनन कोशिका प्रारंभ में लेंस के आकार की और बाद में पराग कोश भित्ति से अलग होकर गोलाकार हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। ठीक है, इसमें डीएनए वे अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, आरएनए वे प्रोटीन की मात्रा कायिक कोशिका की तुलना में कम होती है। ठीक है, कायिक कोशिका में ज़्यादा होती है और इसमें कम। अब एक ध्यान रखना, जनन कोशिका को केलोज परत घेरे रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। जनन कोशिका को चारों ओर से केलोज परत घेरे रहती है, ये पराग कोश की भित्ति से जनन कोशिका को अलग करने में मदद करती है। ठीक है, ये दोनों कोशिकाओं के बारे में हो गया। अब नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार होगा? ठीक है, तो नर युग्मकों का निर्माण इसके अंदर देखिए कि जनन कोशिका द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? जनन कोशिका जो होती है उसका जो केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण करता है। कुछ पादपों में जनन कोशिका का सूत्री विभाजन अंकुरण से पहले या परागण से पहले ही हो जाता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है वो सूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में अंकुरण या परागण से पहले ही बट जाता है, जैसे कुल्फा। लेकिन अधिकांश पादपों में, अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे अधिकांश पादपों की बात करेंगे, तो अधिकांश पादपों में ये क्रिया अंकुरण के बाद पराग नली में होती है। जब पराग कण वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होते हैं तो पराग नली बनती है, और पराग नली के अंदर जो जनन केंद्रक होता है उसका विभाजन होकर दो नर युग्मक बनते हैं। तो परागण के बाद पराग कण के अंकुरण से बनी पराग नली का जब वर्तिकाग्र से वर्तिका की ओर वृद्धि करती है, उस समय जनन कोशिका का केंद्रक पराग नलिका में आ जाता है और यहां सूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बढ़ जाता है, जिनमें भित्ति निर्माण होकर दो कोशिका बन जाती है जो नर युग्मकों के समान कार्य करती है। देखो ये तो हो गई कायिक कोशिका और ये जनन कोशिका। अब क्या होता है, जो जनन कोशिका का केंद्रक होता है, यानी कि जो जनन कोशिका होती है वो तरकु आकार की हो जाती है। ये देखो इस प्रकार तरकु आकार की हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे अब ध्यान रखना कि पराग कण का जो बाह्य चोल है वो नमी ग्रहण करता है। जब ये नमी ग्रहण करता है तो इसका जो अंत्य चोल है वो पराग नली बनाने लग जाता है और ये इस प्रकार की पराग नली बना लेता है। ठीक है, जब पराग नली बनाता है तो कायिक कोशिका, जो कायिक कोशिका का केंद्रक है वो फ्री हो जाता है और घूमता हुआ इस पराग नली के अंदर आ जाता है, और यहाँ ऊपर रहता है जनन कोशिका का जनन केंद्रक। अब इसके अंदर माइटोसिस होकर के इस जनन कोशिका का जो केंद्रक है इसमें माइटोसिस होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होकर के दो नर युग्मक बन जाते हैं। इस प्रकार ये तीन कोशिकीय अवस्था बन जाती है, एक तो कायिक कोशिका होती है और दो
जनन कोशिका यानी कि जनन कोशिका के केंद्रक, जिनको हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये नर युग्मकोद्भिद का विकास पूरा हो जाता है, यानी कि नर युग्मक किस प्रकार बनते हैं। अब यही नर युग्मक जो हैं वो आगे चल करके निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे का अध्ययन हम मादा युग्मकोद्भिद का अध्ययन करेंगे आगे, वो अगले वीडियो में।